हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू क्वेंचुनेशन यूट्यूब चैनल। एपीएस को लेके दो अपडेट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के शेयर करूंगा, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो अपडेट फाइनली आ चुका है। दोस्तों, अभी के डेट में आप लोगों को जो जितने सारा एपीएस रिटेलर है या कोई भी बैंक का बीसी है, वो लोगों का एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है L1 डिवाइस को लेके। NPCI, RBI और UDAI के तरफ से एक अपडेट दिया गया था 7 जून को कि जो भी बीसी पॉइंट या एपीएस संचालक या कोई बैंक का बीसी जो भी डिवाइस आप लोग यूज़ करते थे एपीएस के लिए या बैंकिंग वर्क के लिए, वो EPS डिवाइस को आप इस्तेमाल नहीं करना है। आपको 30 जून के बाद नया डिवाइस जो L1 डिवाइस आया है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें आज के डेट में मतलब 28 जून को एक अपडेट दिया गया है कि कुछ कुछ डिवाइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 31 जुलाई तक आप वो डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक आप एक नया L1 डिवाइस खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये इसलिए किया गया है कि ये जो अपडेट मिला है ये लास्ट 7 जून को मिला है, मतलब एक महीने के अंदर कोई रिटेलर अगर चाहे तो वो अपडेट नहीं कर सकते। मार्केट में डिवाइस का क्राइसिस हो सकता है। NPCI ये डिसीजन लिया है कि वो जो पुराना जो डिवाइस है उसको और एक महीने का समय रिटेलर को मिलने जा रहा है कि वो लोग जो L0 डिवाइस है वो L0 डिवाइस से वो लोग L1 डिवाइस में अपग्रेड हो पाए। और भी एक नया अपडेट आ रहा है NPCI की तरफ से, जो 30 जून के बाद जो भी रिटेलर का 2FA ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था हर ट्रांजेक्शन में, वो रूल्स को हटा दिया जा रहा है। अब से फर्स्ट टाइम जब भी कोई रिटेलर शॉप ओपन करेगा उनका 2FA ऑथेंटिकेशन लगेगा, लेकिन हर ट्रांजेक्शन में रिटेलर का या बीसी का कोई भी फिंगरप्रिंट इधर लगने वाला नहीं है। तो लोग दोस्तों, ये एक अच्छा अपडेट है क्योंकि बहुत सारा रिटेलर उनका खुद का मतलब उनके शॉप पे वो लोग कोई स्टाफ को या दूसरे किसी को काम कराते थे, लेकिन ये 2FA ऑथेंटिकेशन के कारण वो काम नहीं हो पा रहा था, या वो स्टाफ के नाम पे या जो भी मतलब जो भी स्टाफ वो शॉप में रखते थे उनका खुद के नाम पे ID चलाना पड़ता था। तो दोस्तों, ये एक अच्छा अपडेट है। आशा करता हूँ कि आगे से EPS मार्केट और भी अच्छे से ग्रो करेगा और जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी ग्रोथ पिछले 4 सालों से हम लोगों को देखने को मिल रहा है EPS को लेके, वो 2026 में आते आते कुछ में मतलब डाउन में जा रहा था, वो अब फिर से जो ग्रो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप EPS रिटेलर है या आप किसी दूसरे कंपनी में ID को लेके बहुत सारा टेंशन में है या ID कौन सा इस्तेमाल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अगर आप हम लोग जो भी कंपनी में काम करते हैं उसका अगर आप ID लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर आपको मिल जाएगा, आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस अपडेट इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।